वेलकम टू ए शाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8 की जनरल साइंस टेक्स्ट बुक और चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो अब इस चैप्टर में क्या है लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा वर्ल्ड है तो उसको हम कैसे स्टडी करें, उसका क्लासिफिकेशन कैसे, हम कैसे उसकी ग्रुपिंग करते हैं, स्पेशली माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कैसे होगी वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ चैप्टर में शुरू में है कैन यू रिकॉल के तीन सवाल है, तो तीन सवाल को अच्छे से हम समझेंगे। पहला सवाल है व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर क्लासिफाई करना है अलग अलग ग्रुप्स में तो उसकी हायरार्की क्या है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश सिस्टम है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी पूरा प्लान्ड आउट है, ग्रुप सब ग्रुप सब ग्रुप्स होते हैं, तो वो क्या होता है, हायरार्की क्या है, लेवल्स क्या है उसके, हायरार्की मतलब लेवल्स, सबसे बड़े से नीचे नीचे तक पहुंचते हैं। तो ये हायरार्की हम देखेंगे, ये देखिए ये हायरार्की है। सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम मतलब वेरियस किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है जो इसी चैप्टर में हम स्टडी करने वाले। तो एक किंगडम है जैसे एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में भी फिर अलग अलग फाइलम्स होते हैं, हर फाइलम में अलग अलग क्लास होते हैं, कोई फाइलम में ना भी हो पर ऐसे फाइलम का सब डिविजन क्लास होता है, क्लास का सब डिविजन ऑर्डर, ऑर्डर का सब डिविजन फिर फैमिली, फैमिली का सब डिविजन जीनस, और फिर जीनस का सब डिविजन स्पीशीज। तो ये टोटल आप देख सकते हैं सेवन लेवल्स है किंगडम से शुरू करते हुए। और जैसे किंगडम में एनिमल किंगडम बोलेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये देखो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे एनिमल किंगडम में काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फाइलम फिर सब डिविजन है तो अलग अलग फाइलम्स आएंगे, तो हर एक फाइलम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे ऐसे, क्योंकि वो क्लासिफाई होते जा रहे हैं। तो डिक्रीज इन नंबर्स और इंक्रीज इन सिमिलैरिटी, जैसे जैसे एक अलग अलग ग्रुपिंग बन रहा है तो उनपे सिमिलैरिटी इंक्रीज होते जाएगी ऐसे, और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका उल्टा होगा। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये बायोनोमियल नहीं है बाइनोमियल, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो 1730 में कार्लस लिनियस इन्होंने डेवलप किया था। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर दो वर्ड से नेमिंग होता है, बाय बाय मतलब दो, बाइनरी है ना, बाय बाय वर्ड का मतलब होता है टू, तो दो नाम है बाइनोमियल मतलब दो नेम का क्लास सिस्टम है, नोमेनक्लेचर है, नाम देने का दो नेम यूज करके तरीका है। तो क्या यूज होते हैं, दो चीजें, जीनस और स्पीशीज, हम प्रीवियस स्लाइड देखेंगे, ये देखो यहाँ जीनस और स्पीशीज मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज का नाम और जीनस का नाम, तो ये दो वर्ड्स यूज करके नाम लिया जाता है। जैसे हम जनरली अगर आपने साइंटिफिक नेम देखा होगा, जैसे ये डायग्राम, ये फोटो दिया हुआ है, ये फोटो किसका है, हम बोलेंगे लायन का है, ये लेमन लैंग्वेज में हम बोलेंगे ये लायन है, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम इसका जानना है कि साइंटिफिक नेम क्या है तो उसका जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम लेना है। जैसे जीनस इसका है पैंथेरा और स्पीशीज स्पेसिफिकली ये है लियो, तो पैंथेरा लियो मतलब लायन, वैसे पैंथेरा टाइग्रिस होता है मतलब टाइगर, तो ये साइंटिफिक नेम है, इसके अंदर पहले जीनस का नाम आएगा फिर स्पीशीज का नाम, मतलब लायन टाइगर दोनों सेम जीनस के, सेम पैंथेरा जीनस के, पर स्पीशीज अलग अलग है, फिर एक लियो है एक टाइग्रिस है, तो ऐसे। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, तो दो दो पार्ट में साइंटिफिक नेम होता है ऐसे, इसका लिखने का स्पेसिफिक तरीका भी होता है वो भी हम देखेंगे। सेकंड थर्ड सवाल वही है, तो हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो आंसर यहाँ पे है जो कार्लस लिनियस। और अभी थर्ड सवाल जो है विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका आंसर हमने ऑलरेडी दे दिया, जीनस और स्पीशीज, जो लास्ट दो लेवल से हायरार्की की वो यूज किए जा रहे। तो ये टू पार्ट नेमिंग, तो जीनस और स्पीशीज का नाम होता है जीनस पहले फिर स्पीशीज, और ये जीनस के नाम में कैपिटल आता है, स्पीशीज के नाम में मतलब होमो सेपियंस, ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहते हैं, तो हमारा जीनस होमो है और हमारी स्पीशीज का नाम सेपियंस है, तो ये सेकेंड नेम में कैपिटल नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट नेम में कैपिटल आएगा, और अगर प्रिंटेड होता है तो इटैलिसाइज्ड होता है, ऐसे थोड़ा आड़ा लिखा हुआ होता है, और अगर अगर प्रिंटेड नहीं है हम खुद लिख रहे हैं तो अगर हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि स्पीशीज के नेम को अंडरलाइन किया जाता है ऐसे। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो ये हमारे फर्स्ट कैन यू रिकॉल के तीन आंसर्स हो गए। तो अभी चैप्टर में यहाँ पे आके हिस्ट्री दी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो यहाँ देखो कार्लस लिनियस का भी नाम है, तो ये इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वेजिटेबिलिया और एनिमेलिया, मतलब वेजिटेबल्स मतलब
प्लांट्स, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो दो स्टैंडर्ड हमको हमेशा समझता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स बचपन से हम लोअर स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे कि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. लेकिन जो आज माना जाता है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. लेकिन उसके बीच में और भी किंगडम्स कैसे ढूंढे गए वो यहाँ लिखा है. जैसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो और एक ऐड हुआ वो था प्रोटिस्टा, तो वो हैकल इन्होंने ऐड किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. 1925 में एक और तरीके से क्लासिफिकेशन बताया गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो ये चार्टन इन्होंने दिया था, ये टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो प्रोकैरियोट्स हो गए या यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स एक्चुअली बेसिकली बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल्स भी वेल डेवलप नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप नहीं होते, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं. यूकैरियोट्स बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर सारे जो लोअर से लेकर हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स है जिनके सेल्स वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस जो है वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होके न्यूक्लियस स्पेसिफिकली हमको समझ में आए, उन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहते हैं. लेकिन यूकैरियोट्स भी यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, नीचे पूरा डायग्राम है जो उससे हमको समझेगा. तो ये चैटन ने दिया था टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. फिर कॉपलैंड उन्होंने दिया था, ये एक्चुअली स्पेलिंग कोपलैंड आना चाहिए, COP, तो साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड. उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, मतलब ये प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स दिया, उन्होंने और एक ऐड किया मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और आज जैसे मैंने बोला जो स्टैंडर्ड माना जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फ्यूचर में और भी अभी आगे रीसेंट टाइम्स में हुए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, पर हमारी स्टडीज में ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, 1969 में उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उसका पूरा डायग्राम दिया गया यहाँ पे देखिए, तो ये सारे जो किंगडम्स है, किंगडम वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, तो इन्होंने ये फंगाई ऐड किया. तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है वो भी हम देख ले. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो अंडरलाइन किए गए हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी में आपको हेल्प करे. तो यहाँ पे जैसे कितनी लिविंग स्पीशीज हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों वो लिखा गया है कि 2011 सेंसस में भी पता चला कि और जो काउंटिंग थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं स्पीशीज, मतलब जैसे लायन इज वन स्पीशीज, टाइगर इज वन स्पीशीज, उसमें भी अलग अलग स्पीशीज जो होती है, तो कितनी स्पीशीज है, तो 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, मतलब लैंड पे भी और सी एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स, लैंड एंड सी ऑर्गेनिजम्स सारे उनको मिला के अगर काउंटिंग करो तो 87 मिलियन स्पीशीज है अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. तो फिर इनको ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग करना जरूरी बन जाता है कि हम उनको बराबर से समझ सके, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो ये स्टेटमेंट भी लिखा गया कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ दिया गया इसका. तो अब देखते हैं हमारे डिटेल्स के, ये स्टडी के लिए आपको आपको बेनिफिशियल रहेगा. इसमें आप ये 1990 और 1998 का हटा दे सकते हैं, ये हमको फाइव किंगडम तक ही करना है जैसे मैंने कहा. तो लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन वेजिटेबेलिया और एनिमेलिया, हैकल गेव थ्री किंगडम, प्रोटिस्टा उन्होंने ऐड किया, फिर चैटन गेव प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्लासिफिकेशन, फिर कोपलैंड जो KOP नहीं है COP, कोपलैंड जो है मोनेरा, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमेलिया एंड रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. तो ये जो है हम स्टडी करेंगे अभी. तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, या तो प्रोकैरियोट हो गए या यूकैरियोट हो गए. प्रोकैरियोट मतलब उनका जो सेल है सेल वेल डेवलप्ड नहीं है. यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, ये देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क यही है कि सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मल्टी सेल्यूलर ही हो. पर उनका सेल कैसे होगा ये देखिए, न्यूक्लियस इधर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कवर्ड है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी है, इसके अंदर DNA जेनेटिक मटेरियल है, और इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही खुला रहता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो मेन फर्क प्रोकैरियोट्स में यही है कि दे लैक अ सेल न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन से कवर्ड ऐसे सेपरेट ऑर्गेनल्स नहीं होते, मतलब सिंपल फॉर्म का एकदम क्रूड फॉर्म का सेल होता है ये. और यूकैरियोट्स के अंदर स्पेसिफिक कम सेल स्ट्रक्चर्स होते और एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन, मतलब क्लियरली हम बता सकते हैं ये अलग अलग सेल के ऑर्गेनल्स है, मतलब एक सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, मेन तो न्यूक्लियस होता है. तो वो यहाँ पे ये फर्क है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में.
तो यही है मेन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर से हम उनको क्लासिफाई करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। दूसरा हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी, तो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन सिंगल सेल, और मल्टी सेल्यूलर मतलब काफी सारे सेल्स हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो हम भी सेल से ही बने लेकिन मिलियंस ऑफ सेल से। कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, कोई कोई बैक्टीरिया भी होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई प्रोटोजोआ है, प्रोमोशियम, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये सब यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक ही सेल के ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये देखिए, अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर हो, यूकैरियोट्स में भी यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते। तो जो प्रोकैरियोट यूनिसेल्यूलर है वो फर्स्ट किंगडम है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक हमको ये समझा कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेल्यूलर होते हैं। किंगडम टू प्रोटिस्टा मतलब यूकैरियोट्स और यूनिसेल्यूलर। और फिर मल्टी सेल्यूलर में बाकी तीन किंगडम आएंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो फंगाई क्या होते हैं, फंगाई जो है फंगस जैसे हम समझते हैं, तो उनका भी सेल वॉल होता है। प्लांटे में भी सेल वॉल होता है, एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता, ये याद रखना है। प्लांट्स में सेल वॉल होता है रिजिड, हर सेल को एक रिजिड वॉल होता है। तो प्लांट्स जैसे स्टिफ रिजिड होते, इजीली मूव नहीं कर पाते, तो वो सेल वॉल है उनका, रिजिड सेल वॉल है। यहाँ एनिमल्स में हर सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं, उनको रिजिड स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। जैसे हम हाथ पैर सारे एनिमल्स, ह्यूमंस एनिमल्स मूव कर सकते, तो उनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, ये याद रखना है। फंगाई और प्लांटे में होता है। तो फंगाई में क्या लिखा है, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फंगाई प्लांटे में यही फर्क है, फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्लांटे फोटोसिंथेसिस कर सकते, दोनों के पास सेल वॉल है। ठीक है, तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक के पीछे इसका क्वेश्चन भी है, और कंसेप्ट चार्ट जैसे सवाल जो आते हैं आजकल उसके अंदर यहाँ ब्लैंक्स रख के आपको फिलअप करने दिया जाता है, तो आपको बराबर से फिलअप करने आना चाहिए। टेक्स्ट बुक के पीछे का भी ये सवाल है। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के फाइव क्राइटेरिया है, पहला और दूसरा हमने देख लिया, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। तीसरा जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, जैसे प्लांट्स जो हमने देखा वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो करके वो अपना खाना खुद बना सकते, तो उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको खाना कैसे मिलता है, वो ऑटोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। अब हेटरोट्रॉफिक में ही काफी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो सेप्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते, तो उनको सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, जैसे मशरूम होते हैं, फंगस होता है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो ये सेप्रोट्रॉफिक है। पैरासाइटिक मतलब जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वर्म्स होते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं, तो ये सारे पैरासाइटिक है। हम हमारी बॉडी में रह के, किसी की बॉडी पे रह के वो उसी को, उसी का खाना खाते, तो पैरासाइट बोलते हैं उसको। और होलोजोइक मतलब वो मुंह से कंज्यूम करके खाना खाते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक को जनरली होलोजोइक के साथ इंटर यूज भी किया जाता है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक एक बड़ा लार्जर टर्म है जिसके अंदर तीनों आएंगे। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक या हेटरोट्रॉफिक, लेकिन पैरासाइटिक भी होता है। तो ये है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तीसरा क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमने देखा फंगाई और प्लांटे उनमें क्या फर्क है, कि प्लांटे ऑटोट्रॉफिक है और फंगाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फिर और फंगाई सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, तो यहाँ वही लिखा है देखो। फिर दूसरा हेटरोट्रॉफिक में जैसे हमने तीन दिया, तो यहाँ पे देखो सेप्रोफाइट्स मतलब फीड ऑन डेड एंड लीकिंग मैटर, मतलब बैक्टीरिया और फंगाई मेनली होते जो ये करते हैं। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है लाइफस्टाइल, के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर। तो ये एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी लिंक्ड ही है, कि प्रोड्यूसर्स मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, थोड़े फाइटोप्लैंक्टन, इवन एल्गी होते हैं, उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, वो अपना खाना खुद बनाते, तो वो प्रोड्यूसर्स है। कंज्यूमर्स मतलब जो इनको खाते, प्रोड्यूसर्स को यूज करके ना उनको एनर्जी मिलती है,
और प्रोड्यूसर्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए सोलार एनर्जी की जरूरत होती है, तो सोलार एनर्जी जैसे प्लांट्स यूज करते हैं तो वो एनर्जी मिलती है, कंज्यूमर्स को इनसे एनर्जी मिलती है, और डिकम्पोजर्स जो है वो दोनों को डिकम्पोज करते हैं, कंज्यूमर्स जब मर जाएगा जो भी ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, प्लांट्स एनिमल्स जो भी हो, वो जब मर जाएगा तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो वो डिकम्पोजर्स का काम है। तो ये पूरा साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, जो ये साइकिल है, ये प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स जो है वो दोनों को यूज करते हैं। फिर फिफ्थ जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक ग्रेडेशन है, जैसे प्रोकैरियोट से जाके यूकैरियोट हायर लेवल ऑर्गेनिज्म बनते, यूनिसेल्यूलर से फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे बनते, तो एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। तो ये इवन उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी भी एक अंदाजा देता है, कि जैसे अर्थ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था, फर्स्ट लाइफ जो आई वो प्रोकैरियोटिक थी, बैक्टीरिया, फिर आए यूकैरियोटिक न्यूक्लिएटेड सेल्स, और फिर उसके बाद यूनिसेल्यूलर के बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी आए। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो बताता है, मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की समझ आती है हमको उससे। तो फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो जो जैसे मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये फाइव किंगडम्स इस ऑर्डर में, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है उसका। तो फाइलोजेनेटिक ट्री भी बनाया जाता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स, तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक क्राइटेरिया है फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये पांच क्राइटेरिया है, टेक्स्ट बुक में भी इनको देख लेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो ये देखिए हमारी बुक में जैसे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जो दिया गया है फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये पांच क्राइटेरिया है जो अभी हमने देखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये हमने क्लियरली समझा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर जो है हम हर एक वो देखेंगे, उससे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो पांच किंगडम में से तीन किंगडम हम स्टडी करने वाले हैं। प्लांट और एनिमेलिया इस बुक में नहीं है क्योंकि बाकी दो किंगडम्स है, तो प्लांटे एक्चुअली पूरा एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करके चैप्टर है नाइन्थ स्टैंडर्ड में, और एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा एक चैप्टर है टेंथ स्टैंडर्ड में, तो पूरा डिटेल चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जो है एट स्टैंडर्ड में हमको तीन किंगडम स्टडी करने, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। तो किंगडम वन मोनेरा के बारे में हम देखते हैं अभी। तो ये देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम मोनेरा, तो ये मोनेरा कैसे होते हैं हमने ऑलरेडी जो ये डायग्राम देखा, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो आप देखो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्यूलर। तो वही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है कि पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूनिसेल्यूलर है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते, दोनों पॉसिबल है मोनेरा, और इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी बताए गए हैं, तो लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, तो ये मोनेरा है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे जो है मोनेरा होते हैं, ऑल मोनेरा मे नॉट बी बैक्टीरिया बट ऑल बैक्टीरिया आर मोनेरा, बिकॉज बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट ये मोनेरा किंगडम की ही निशानी है, राइट। फिर और बैक्टीरिया से जैसे हमको पता है काफी सारी डिजीजेस भी होती है, तो ये सब बैक्टीरिया डिजीज भी जैसे विब्रियो कॉलेरी, ये कॉलेरा की जो बैक्टीरियल डिजीज है उसका बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, क्लॉस्ट्रिडियम, फूड पॉइजनिंग जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी एक रीजन होता है, तो वो है। फिर उसके बाद और बैक्टीरिया, एक बात ये भी है, बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया जो है हार्मफुल नहीं होते, यूजफुल बैक्टीरिया भी होता है, जैसे लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया इज एक्चुअली अ यूजफुल बैक्टीरिया। तो जैसे हम नो जो दही खाते, कर्ड, योगर्ट जो खाते, उसके अंदर भी जो है दूध से ही बनती है, तो दूध से कैसे बनती है, तो कर्डलिंग होता है मिल्क का, तो कर्डलिंग प्रोसेस कैसे होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है। तो ये लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में ये होता है, तो ये प्रोबायोटिक भी है, मतलब इससे हम हमारी बॉडी का गट जो है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, इवन डायरिया वगैरह में ये रिकमेंड किया जाता है, दही वगैरह खाना।
तो ये किंगडम मोनेरा है, फर्स्ट किंगडम, बेसिकली बैक्टीरिया। हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे तो उसमें भी हमको बैक्टीरिया स्टडी करना है, तो वो मोनेरा मतलब मेनली मोनेरा किंगडम के ही ऑर्गेनिजम्स है। फिर सेकेंड किंगडम देखेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसे है, हमारा जो जो डायग्राम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें फिर से आप देखोगे तो वही है, यूनिसेल्यूलर है प्रोटिस्टा भी, लेकिन ये अब यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट इज प्रोटिस्टा, और इनके पास ये जो है, इनके पास ये ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल के ही ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनके पास कोई हाथ पैर वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलने के लिए यूज करते हैं। इनके पास सूडोपोडिया होता है, मतलब फॉल्स लेग्स, जैसे अमीबा दिया गया है, तो अमीबा इज अ प्रोटिस्ट। तो ये प्रोटिस्टा जो है अमीबा, ये इसका शेप चेंज कर सकता है, वो बेशेप होता है, तो वो अपना शेप जैसे चेंज करता है, तो वो ऐसे उसके जो प्रोजेक्शन आते हैं, इनको पैर जैसा लगता है कि पैर जैसे यूज करके चल रहा है, तो इनको सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, तो सूडोपोडिया फॉल्स लेग्स जैसे इनके पास है। या तो सिलिया होता है, सिलिया मीन्स ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे जैसे यूग्लेना के पास हम यहाँ देख रहे हैं, या फ्लैगेला मतलब कि एक है, बाल नहीं हो उसके, हेयर लाइक मतलब छोटे छोटे बाल, जैसे यहाँ पे ये जो है ये विप जैसा है, एक नो क्या बोलते हैं, छड़ी के जैसे ऐसे कुछ, तो ये विप की तरह मतलब फ्लेक्सिबल छड़ी होती है, जैसे पट्टे की तरह जैसे, तो वो एक विप जैसा ऐसा है, उससे भी वो यूज करते हैं। तो ये भी हो सकता है, फ्लैगेला भी हो सकता है, बाल बाल प्रोजेक्शन ऐसे है, सिलिया भी हो सकते हैं उनके पास, या तो सूडोपोडिया जिससे वो मूव कर सके। और प्रोटिस्ट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनके पास खुद के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम्पल्स इसके जैसे दिया हुआ यूग्लेना, वॉलवॉक्स, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्रोटिस्ट जो है ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। अमीबा खुद का खाना खुद नहीं बनाता, इसके पैर से ही हेल्प होती है इसको खाना खाने के लिए भी, ये दो पैर जो आते हैं, तो दो पैर अगर कुछ भी खाना यहाँ होता है तो दोनों पैर के बीच में उसको जोड़ के ऐसे उसको पूरा एनगल्फ कर लेते हैं और फिर उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो अमीबा भी ऐसे खाना खाता है अपना। तो अमीबा पैरामोशियम जो है ये प्रोटिस्ट है, लेकिन ये जो है ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटरोट्रॉफिक है। मतलब प्रोटिस्टा कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के भी दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, यूग्लेना वॉल्वॉक्स, हेटरोट्रॉफिक के भी दो एग्जांपल्स है अमीबा पेरमोशियम। और भी होते प्लास्मोडियम, जैसे प्लास्मोडियम भी एक प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ, जो जिसकी वजह से हमको इवन मलेरिया होता है। तो मलेरिया एक्चुअली मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से, मच्छर की वजह से मतलब क्यों होता है, क्योंकि अगर मच्छर कैरियर है सिर्फ, अगर मच्छर में ये प्रोटिस्टा है प्लास्मोडियम, अगर प्रोटिस्टा वो कैरी कर रहा है, वो इन्फेक्टेड है उससे, तो जब वो हमको काटता है तो हमारे ब्लड में भी वो प्रोटिस्टा आ जाता है प्लास्मोडियम, और उसकी वजह से हमको भी बीमारी हो जाती है। तो ये एक्चुअली जो है मलेरिया, वो हर मच्छर के काटने से नहीं होती, मच्छर जो इन्फेक्टेड है वो अगर हमें काटेगा तो होता है। और मच्छर वो भी आपको पता होना चाहिए, मच्छर जो काटते हैं तो फीमेल मस्किटोज काटते, मेल मस्किटोज नहीं काटते। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपके आगे चैप्टर्स भी आएंगे जो डिजीजेस वगैरह के, उसमें भी आप ये स्टडी करोगे। तो मलेरिया एक्चुअली मस्कीटोज हमको काटते हैं क्योंकि उनको, जब फीमेल मस्कीटो काटती है क्योंकि जब उनको अंडे देने होते हैं तो उनको फूड चाहिए होता है, वो ब्लड सक करते हैं वो उस पर्पज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो टाइम पे वो काटते हैं, तो मेल्स को जरूरत नहीं होती है, मेल्स नहीं काटते। फिर अब ये किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम थर्ड किंगडम देखेंगे, किंगडम फंगाई। तो किंगडम फंगाई कैसे है, वो भी यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा है, प्रोटिस्ट और फंगाई दोनों यूकैरियोटिक है, लेकिन फर्क क्या है, प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर था और फंगाई जो है वो मल्टीसेल्यूलर है। ठीक है, एक बार हम वो डायग्राम भी फिर से देख लेंगे, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर मींस मोनेरा, यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर मींस प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेल्यूलर इज फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ऑल थ्री, पर हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो है फंगाई, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। किंगडम वन यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, और ये है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, और ये है मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स फंगाई। तो हम किंगडम, तीन किंगडम्स याद कर रहे हैं फिलहाल इस चैप्टर में, एट स्टैंडर्ड में, तो ये हमको याद रखना है। और फंगाई और प्लांटे में ऑलरेडी हमने डिफरेंस देखा कि दोनों के पास सेल वॉल है, लेकिन प्लांटे जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रोफ से, और फंगाई हेटरोट्रोफ से, एंड मोस्टली सेप्रोट्रोफिक है, मतलब वो डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, तो ये फंगाई है।
और इनके पास जैसे हमने बोला फंगा है प्लांट है की तरह उनके पास सेल वॉल है, लेकिन इनकी सेल वॉल जो है वो काइटन की बनी है। तो ये काइटन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म है, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर से वो इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो ये एग्जाम्पल्स भी फंगाई के दिए गए हैं। बेकर्स यीस्ट जो बेकरी में काफी यूज होता है, जिसकी वजह से जो है केक्स वगैरह ब्रेड वगैरह जो फ्लफी बनते हैं, तो वो बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, मशरूम्स, ये सब फंगाई के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अमीबा, पैरामोशियम, वॉलवॉक्स, यूग्लेना, ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स है। और मोनेरा के एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, काफी सारे अलग अलग बैक्टीरिया के नाम है, क्लॉस्ट्रिडियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो बैक्टीरिया, नाम में एल्गी आता है लेकिन ये बैक्टीरिया है और ये मोनेरा में आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये पुराने तरीके से उसको एल्गी नाम दिया लेकिन एक्चुअली वो एल्गी नहीं है, वो बैक्टीरिया है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है। तो एल्गी हम आगे देखेंगे। तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम्स, हम फाइव किंगडम में से जैसे मैंने बोला तीन किंगडम स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट है चैप्टर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। से पहले टेक्स्ट बुक में भी देख लेते, हमने जो किया वो यहाँ पे भी वही कवर्ड है। ये बैक्टीरिया दिए गए है, जो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि हम दही का जो है एक ड्रॉप लेके या छाछ का एक ड्रॉप लेके हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमको ये रॉड लाइक माइक्रोब्स दिखेंगे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो मोनेरा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी स्टडी की। प्रोटिस्टा भी जो है, ये प्रोटिस्टा कहाँ से मिलेंगे हमको, अगर पॉन्ड का एक ड्रॉप वाटर लेंगे तो उसके अंदर जो है ये प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, अमीबा वगैरह, तो वो हमको दिख सकते हैं। तो उसके भी एग्जांपल्स दिए गए, अमीबा, पैरामोशियम जो हेटरोट्रोफ है, और ऑटोट्रोफ्स में यूग्लेना वॉलवॉक्स, तो दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट से ही बना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज नो पिगमेंट जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट। फिर थर्ड किंगडम फंगाई भी हमने देखा, जो हमको ब्रेड या कोई बासी रोटी होगी ऐसी दो तीन दिन तक रखती होगी तो उसके ऊपर फंगस आ जाते हैं। तो ये फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट होते हैं। टफ्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे दिया है, ये देखिए, टफ्ट मतलब बंच और कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स, ना ग्रास या ऐसे लंबे लंबे रेशे हो जो एक बेस से निकल रहे हो। तो जो फंगस होता है वो एक बेस से इतने सारे रेशे निकल रहे होते हैं, काय के भी रेशे हो, थ्रेड हो, ग्रास हो या हेयर हो ऐसे, तो उसको टफ्ट कहते हैं। तो ये टफ्ट दिखता है हमको अगर हम ब्रेड भाकरी को, भाकरी मतलब रोटी को थोड़े दिन के बाद देखेंगे ऐसे, तो जो फंगस दिखता है हमको उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में, तो ये पुणे में है, 1952 में बनी गई इंस्टीट्यूट है, ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर जो है फंक्शन करती है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। फिर जो है ये फंगाई के भी है, हमने ऑलरेडी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ये यूकैरियोटिक हेटरोट्रोफिक है, मोस्टली सेप्रोट्रोफ्स होते हैं, सेल वॉल है काइटिन, और वही है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस, मशरूम, पेनिसिलियम, ये सब फंगाई है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ह्यूज नंबर ऑफ, देर आर ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों हो सकते हैं। तो यही डायग्राम हम पहले देखेंगे, तो ये देखिए, ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो प्रोकैरियोट्स हो गए या यूकैरियोट्स, जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में देखा प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में से प्रोकैरियोट्स होते हैं किंगडम मोनेरा, यूनिसेल्यूलर ही होते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर ही है, तो ये है किंगडम मोनेरा, तो ये है बैक्टीरिया, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सारे बैक्टीरिया आते हैं यहाँ पे। और यूकैरियोट्स हो सकते हैं प्रोटिस्टा, फंगाई और अल्गे, तो फंगाई, अल्गे, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ होता है, तो ये यूकैरियोट्स में या तो प्रोटिस्टा, एल्गी हो या फंगाई हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन का डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। तो बैक्टीरिया याद रखो ये प्रोकैरियोट्स है, मोनेरा किंगडम जो है बैक्टीरिया है मेनली, तो इनकी साइजेस भी काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इनकी साइज जो है माइक्रो में होती है, मतलब एक मीटर जो हम कहते हैं तो वन माइक्रोमीटर मतलब कि 10^-6 मीटर, या एक मीटर मतलब 10^-6 माइक्रोमीटर, और नैनोमीटर मतलब 1 मीटर इज 10^-9 नैनोमीटर, तो ये बहुत छोटा यूनिट होता है माइक्रोमीटर ऐसे। तो ये साइज ऑफ माइक्रोब्स के लिए टर्म्स आएंगे तो हमको पता होना चाहिए, माइक्रो मतलब 6 रेस टू 6, नैनो मीन्स रेस टू 9, ठीक है।
तो वही देखेंगे हम लोग। ये माइक्रो का सिंबल भी ऐसे होता है न्यू, और ये नैनो का एन। तो ये है, तो इसके अंदर हम जो चार और कैटेगरी देख रहे हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और फिर फंगाई और एल्गे, और उसके बाद पांचवा भी है वायरस, वो अलग से देखेंगे हम, तो वायरसेस को भी स्टडी करेंगे। तो पांच ये कैटेगरीज हमको देखनी है। पहली है बैक्टीरिया, इनकी साइज कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, तो काफी छोटे होते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बैक्टीरिया की साइज यहाँ दी गई है। इसके बाद हम जैसे यहाँ प्रोटोजोआ की साइज देखेंगे तो प्रोटोजोआ काफी बड़े, देखो 200 माइक्रोमीटर, तो 1 टू 10 माइक्रोमीटर ऑफकोर्स कम है। बैक्टीरिया सबसे छोटे होते, वायरस इससे भी छोटे होते, लेकिन उसके बाद बैक्टीरिया आता है। फिर तो ये बैक्टीरिया कैसे, हमको पता है किंगडम मोनेरा मेनली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो यूनिसेल्यूलर हो गए और प्रोकैरियोटिक हो गए, मतलब इनके सेल वॉल नहीं होती है, कोई ना डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सेल वॉल होता है पर बाकी कुछ नहीं होता, अंदर कुछ भी डिस्टिंक्टिवली नहीं होता, तो ये प्रोकैरियोट्स है। फिर इसके बाद हम दूसरी बात जो देखते हैं वो ये है कि ये भी इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं या पैरासाइटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हमने देखा, तो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, बीमारी भी जैसे कॉज करते हैं। और रिप्रोडक्शन इनका जो होता है सिंपल बाइनरी फिजन सा, मतलब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल जो है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो सेल डिवाइड होगा, दो बनेंगे, दो के चार और सो एन ऑन, तो बाइनरी मतलब एक का दो पीस बन गए, तो वो दो पीस जो बनेंगे उसके भी और छोटे छोटे पीस बनते जाएंगे, दो 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 करके, तो सिंपल बाइनरी फिजन से इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है। और एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया के हैं, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए स्पाइरिलियम, ये स्पाइरल शेप होता है, बैसिलस रॉड शेप्ड होता है ना, ये विब्रियो कॉमा शेप्ड है ना, कॉकस ऐसे राउंड ओवल शेप होता है, ऐसे तो ये राउंड शेप, तो ये बैक्टीरिया है। फिर ये किंगडम मोनेरा जो है, देखो मोनेरा मतलब जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम था, तो मोनेरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया, एनी वन ब्लू ग्रीन एल्गे जो एक बैक्टीरिया ही है एक्चुअली, तो ये है डिफरेंट बैक्टीरिया आर अंडर मोनेरा, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, सो ऑल प्रोकैरियोट्स आर इन मोनेरा किंगडम। ब्लू ग्रीन एल्गे का दूसरा नाम साइनो बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे भले एल्गे आता है पर साइनो बैक्टीरिया जो है वो इसका एक्चुअल न्यू नेम है, साइनो बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया ही है इन किंगडम मोनेरा। फिर जाएंगे सेकेंड प्रोटोजोआ पे, और प्रोटोजोआ जो है वो किंगडम प्रोटिस को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक तो है लेकिन ये भी यूनिसेल्यूलर है ना, तो ये देखो इसमें ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अलग का अलग अलग है, मतलब कोई स्पेसिफिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सबका सेल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन अलग अलग सबके होते हैं, न्यूट्रिशन भी सबका अलग अलग होता है, तो ये है। रिप्रोडक्शन इनका सिंपल सेल डिवीजन, यूनिसेल्यूलर है तो सेल डिवीजन से ही होता है इनका। और एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स दिए गए, तो ये जैसे यूग्लेना है, ये प्रोटोजोआ है जो ऑटोट्रॉफिक है, यूग्लेना हमने पहले किया इन अमीबा, यूग्लेना हमने किया इन किंगडम टू प्रोटिस्टा, तो ये अमीबा यूग्लेना यहाँ पे भी आया, ये जो है ये प्रोटोजोआ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन में इनको प्रोटोजोआ बोला जाता है, वहां पे प्रोटिस्टा किंगडम था, तो ये अमीबा फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, और यूग्लेना ऑटोट्रॉफिक होते है ना, और प्लास्मोडियम विवैक्स ये मलेरिया का रीजन है, तो हमने प्रोटिस्टा जैसे हमने देखा था, तो पैरामोशियम था, प्लास्मोडियम भी होता है, प्लास्मोडियम कॉजेज मलेरिया, प्लास्मोडियम विवैक्स, तो ये उनका साइंटिफिक नेम है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है। और फिर एंटमीबा हिस्टोलिक टिका होता है, ये कॉजेज अमीबायसिस, तो ये सारे डिजीजेस कॉज करते हुए जो है ऑर्गेनिज्म से प्रोटोजोआ। फिर थर्ड हम देखने से पहले प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा का रिलेशन भी क्लियरली समझ ले, क्योंकि प्रोटिस्ट सारे प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट है, लेकिन प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ हो सकते हैं, एल्गे भी हो सकते हैं, तो एल्गे क्राइटेरिया भी है जो, लेकिन एल्गे कैसे होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, और प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट सा प्रोटोजोआ एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्गी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट्स की तरह, तो ये है। और स्लाइम मोल्ड्स भी करके है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जो है मेनली है, याद रखना है कि ये यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक है, फंगाई बेसिकली
मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन यूनिसेल्यूलर भी ये होते हैं, जैसे बेकर्स यीस्ट माना जाता है कि यूनिसेल्यूलर है, तो ये भी मेंशन किया गया है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले इसमें हमने देखा कि फंगा इज मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक, तो वो डेफिनेशन उसका वैसे आता है, लेकिन थोड़े यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। और रिप्रोडक्शन इनका जैसे सेल डिवीजन से भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेल डिवीजन बडिंग से भी रिप्रोडक्शन होता है। और जैसे हमने पहले भी देखा किंगडम 3 फंगाई में कि ये सेप्रोट्रोफिक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल फंगाई में यही फर्क है, प्लांट्स फंगाई में कि दोनों के पास सेल वॉल है लेकिन फंगाई जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऑटोट्रोफिक नहीं है, सेप्रोट्रोफिक होते, दे लिव ऑन डेड डिकेइंग मैटर। और एग्जाम्पल इसका जैसे बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविस से, तो ये सैक्रोमाइसिस का है डायग्राम दिया है फंगाई। तो ये तीन हुए। चौथा है यहाँ पे दिया गया है, ये सैक्रो मतलब शुगर होता है, तो वही है, तो ये बेकर्स यीस्ट का साइंटिफिक नेम। फोर्थ है एल्गी। अब ये भी देखो एल्गी और फंगाई का जो साइज दिया गया है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, तो फंगाई का भी यही साइज दिया गया है और एल्गी का भी यही साइज दिया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होते हैं, लेकिन एल्गी काफी लंबे भी होते हैं, लॉन्ग चेन एल्गी होते हैं, ऐसे होती है लंबे एल्गी होते हैं जो मीटर्स तक भी हो सकते हैं। तो एल्गी भी यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर हो गए, यूकैरियोटिक है बेसिकली, तो ये एल्गी है यूकैरियोटिक। और ये ऑटोट्रोफिक है, एल्गी बेसिकली ऑटोट्रोफिक होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ये अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकते हैं, जैसे क्लोरेला, तो यही है। और इनका रिप्रोडक्शन भी जो है सिंपल सेल डिवीजन से ही होता है, तो एग्जाम्पल से दिए गए दो, क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास। तो फिर से एक बार कंपेरिजन करेंगे एल्गी का आएगा, एल्गी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, हमने ऑलरेडी इधर देखा, तो जो प्रोटिस्ट कैन बी प्रोटोजोआ एल्गी या स्लाइम मोल्ड्स, एनिमल लाइक प्लांट लाइक और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे वही है, हमने प्रोटिस्ट के लिए पहले प्रोटोजोआ देखा, बीच में फंगाई भी आया, लेकिन जो ये आगे ये एल्गे है तो एल्गे भी प्रोटोजोआ के साथ ही आएगा, प्रोटिस्ट में ही आएगा, तो प्रोटोजोआ एल्गे जो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स वाले जो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं एल्गे। फिर उसके बाद इसके बारे में ऑटोट्रॉफिक हमने ऑलरेडी देखा, सिंपल सेल डिविजन होगा। फिफ्थ जो लास्ट है, तो ये यूनिसेल्यूलर एल्गे भी यहाँ दिखाया गया है, देखो डाइनोफ्लेगेलेट्स, तो इनकी वजह से जो टाइडल ब्लूम भी होता है, पूरे पानी का रंग, ये कलर वाले होते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स है, तो इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, तो उसकी वजह से पूरा पानी वो कलर का दिखने लगता है, तो ये जो है ये एल्गल ब्लूम्स पानी में होते हैं ऐसे, तो रेड टाइड्स बोला जाता है, अगर ह्यूज बहुत सारे एल्गे पानी में हो गए रिप्रोड्यूस होके, तो उसके बाद वो पूरा पानी ऐसे लाल दिखने लगता है, तो रेड टाइड्स बोलते हैं उसको ऐसे, या कभी हरा दिखने लगता है ऐसे। फिर लास्ट है वायरस। अब वायरस की साइज देखो बहुत छोटी है, ये सब माइक्रोमीटर में हम बात कर रहे थे, अब नैनोमीटर पे पहुंच गए, तो वायरस इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दीज 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को माना जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाले या ना डाले, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस हमने कहीं नहीं देखा। और ये कैसे, ये इनके इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो डीएनए भी हो सकता है उनका, आरएनए सिर्फ आरएनए से भी वायरस बना हो सकता है, और उनके पास एक उसके ऊपर डीएनए आरएनए के ऊपर एक प्रोटीन कोटिंग होती है, लेकिन ये अकेले वायरस इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये इनको जो है वो लिविंग प्लांट्स या एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो अपना फिर वो होस्ट सेल के अंदर अगर है, वो कोई सेल में वायरस घुस गया, तो उसके बाद वो अपना खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं उस होस्ट सेल की मदद से, और मतलब वो उसके ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि वो अपना खुद का प्रोटीन फिर यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके सेल को प्लांट्स या एनिमल्स किसी के भी जिसके सेल में घुसे वो, और फिर इवन बैक्टीरिया को भी वायरस अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये फिर वो सेल में घुस के फिर अपनी काफी सारी कॉपीज रेप्लिकास बना सकते हैं और होस्ट सेल को ही पूरा खत्म कर देंगे, फिर वो सेल सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं, फिर सेल से ही बाहर निकल के फिर वो के बाकी के जो सेल्स है आसपास उनको अफेक्ट करने लगते हैं, तो ये वायरस ऐसे स्प्रेड हो सकता है बॉडी में, और वायरस से काफी सारी डिजीजेस होती है प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, है ना। तो ये वायरस के एग्जांपल्स भी दिए, ह्यूमंस में जो वायरस वायरल डिजीजेस है, जैसे पोलियो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो जनरल वायरल हो जाता है बोलते हैं, जनरल सीजनल वायरल, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। एचआईवी एड्स इज आल्सो वायरल डिजीज, कैटल में भी होता है, पिकॉर्ना वायरस होता है, प्लांट्स में जो मोस्ट कॉमन है वो है टोमेटो विल्ट वायरस,
टोबैको मोजाइक वायरस, और बैक्टीरिया में भी वायरल अटैक होता है, वो होता है बैक्टीरिया को जो वायरस अटैक करता है वो वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, वायरस विच अटैक्स बैक्टीरिया। तो यही है, और जो हमने एक फैक्ट देखा था वो इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है पुणे में है, जो 1952 में एस्टैब्लिश की गई। और एक क्विक लुक डाल देंगे टेक्स्ट बुक पे, तो हमने जो अभी कवर किया वही टेक्स्ट में लिखा है, बैक्टीरिया के बारे में भी डायग्राम्स भी दिए गए बैक्टीरिया के फोटोज का, और ये है रिगार्डिंग प्रोटोजोआ, फिर फंगाई, तो सेम डायग्राम सेम कंटेंट हमने कवर किया, एल्गे, और लास्ट में वायरस। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है, तो दैट इज इट, थैंक यू एंड विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.